हायर एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग स्किल्स के लिए मैं बार बार आप लोगों को बताती हूँ, ब्रेन एंड बॉडी कनेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट, जिससे हम लोग हायर एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग स्किल्स पे काम कर पाए, उसके लिए आज हम डिस्कस करेंगे थ्री इंपॉर्टेंट स्टेप्स जिसमें हम लोग काम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला चीज जो है इंपॉर्टेंट फैक्टर है, काम द नर्वस सिस्टम। अगर बच्चे का नर्वस सिस्टम सिंपथेटिक एंड पैरासिंपथेटिक। सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम, जहां पर फ्लाइट एंड फाइट, करो या मरो, और बच्चा हमेशा एकदम स्ट्रेस एंजाइटी में रहता है। एंड पैरासिंपथेटिक नर्वस सिस्टम, सेफ एंड साउंड, बच्चा बहुत रिलैक्स कामली जो है चीजों में परफॉर्म करता है। ठीक है, तो उसको स्ट्रेस और एंजाइटी नहीं होगा, ही विल बी लाइवली, काम, रिलैक्स एंड अटेंटिव। तो जब सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिंपथेटिक सिस्टम दोनों सिंक में होंगे, दोनों में आपस में तालमेल होगा, तो हमारा लर्निंग अच्छा होगा। जो भी हम बच्चे को इनपुट देंगे, वो बच्चा उसको ग्रैब करेगा। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है, जब भी हम कोई ऑक्यूपेशनल थेरेपी, प्रिमिटिव रिफ्लेक्स, सेंसरी इंटीग्रेशन, एनीथिंग अगर हम लोग वर्क कर रहे हैं, लेकिन बच्चे का वेगल सिस्टम इज नॉट प्रॉपरली टोन्ड, वेगल टोन अच्छी नहीं है, तो जो भी चीज हम लोग कर रहे हैं, बच्चा उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो नर्वस सिस्टम को प्रिपेयर करना थ्रू वेगस नर्व स्टिमुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि सिंपथेटिक एंड पैरासिंपथेटिक सिस्टम्स का आपस में सिंक हो, बैलेंस हो, और बच्चा प्रिपेयर हो, बच्चे का नर्वस सिस्टम काम हो, और फिजिकली ही विल बी परफॉर्मिंग वेल आफ्टर दैट। तो वेगस नर्व स्टिमुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बहुत सारी वीडियोस में ये आपके साथ शेयर किया है। वेगस नर्व की बहुत सिंपल एंड इजी एक्सरसाइजेस हैं, मैंने 9 एक्सरसाइजेस शेयर की हैं आप लोगों के साथ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, गो देयर एंड चेक दिस दोज एक्सरसाइजेस। अब आप इसको थ्रू आउट द डे करते हैं, तो बच्चे का अटेंशन कंसंट्रेशन बढ़ता है, बच्चे का स्ट्रेस एंड एंजाइटी लेवल कम होता है, और बच्चा विलिंगली कोऑपरेटिव होता है। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम अच्छा रहेगा, फ्लाइट एंड फाइट मोड रिड्यूस होगा, सेफ एंड साउंड प्रोटोकॉल जो है बच्चे का आएगा, तो बच्चा रिलैक्स होके चीजों में परफॉर्म करेगा। तो दिस इज नंबर वन थिंग जो है, हमें नर्वस सिस्टम को काम करना है, किसके थ्रू करना है, वेगस नर्व पे काम करना है, वेगस नर्व को एक्टिवेट एंड स्टिमुलेट करना है। द सेकेंड स्टेप एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, ये मतलब मैं आपको स्टेप्स हमेशा बताती हूँ, बट दिस इज अ सेपरेट वीडियो। द सेकेंड स्टेप इज इंटीग्रेटिंग प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस। ठीक है, जो हमारा ब्रेन स्टेम है, प्रिमिटिव रिफ्लेक्स कहाँ पर होते हैं, दे आर मतलब कहाँ से ओरिजिनेशन होता है उनका, ब्रेन स्टेम। अगर ब्रेन स्टेम वीक है, अगर वो रिटेन्ड रिफ्लेक्सेस हैं, तो वो ब्रेन स्टेम वीक होगा। ब्रेन स्टेम वीक होगा तो ब्रेन एंड बॉडी कनेक्शन नहीं होगा, बच्चे का मेमोरी, लर्निंग, कॉग्निटिव फंक्शनिंग, मोटर स्किल्स, एवरीथिंग विल बी हैम्पर्ड। हर चीज में इफेक्ट आएगा, रीडिंग, राइटिंग, लर्निंग, मेमोरी एंड ग्रोस मोटर एक्टिविटीज, हर चीज में उसको इश्यूज आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप इज कि जो भी रिटेन्ड रिफ्लेक्सेस हैं, हमें चेक करना है कि बच्चे के कौन कौन से रिफ्लेक्सेस रिटेन्ड है, और उन पे हम लोगों को काम करना है। ठीक है, जब प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस जो हैं इंटीग्रेट हो जाएंगे, मतलब चले जाएंगे, ठीक है, तो ब्रेन एंड बॉडी कनेक्शन आ जाएगा, ब्रेन का कंट्रोल होगा बॉडी मूवमेंट्स पे, तो उससे जो है हमारे को, जो बच्चे को है ग्रोस मोटर स्किल्स में इम्प्रूवमेंट होगी, बच्चे की रीडिंग, राइटिंग, लर्निंग, मेमोरी एंड सेंसरी इंटीग्रेशन में हेल्प होगा हमको, और बच्चे की जो हायर कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो होना स्टार्ट होगा। सो द सेकेंड स्टेप, द बेस ऑफ कॉग्निटिव फंक्शनिंग एंड ग्रोस मोटर फंक्शनिंग इज रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन। और रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन पे मैं जब बात करती हूँ, मैं आपको बताती हूँ, रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन के साथ साथ हम लोगों को कोर स्ट्रेंथन पे काम करना है, कोर को स्ट्रेंथन अप करना है, हम लोगों को सेंसरी इंटीग्रेशन पे काम करना है, एंड ब्रेन हेमिस्फेयर्स पे काम करना है, तो हम सही मायने में रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन पे काम कर पाएंगे। सो द फर्स्ट स्टेप इज
कामिंग द नर्वस सिस्टम थ्रू वेगस एक्टिविटीज, वेगस नर्व एक्टिविटीज. द सेकेंड थिंग इज इंटीग्रेटिंग प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस एंड इंटीग्रेटिंग सेंसरी इश्यूज, जो सेंसरी इंटीग्रेशन हम लोग बोलते हैं. द थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इज इम्प्रूविंग फोकस एंड अटेंशन. फोकस और अटेंशन में हम लोग अगर जब बात करते हैं तो हम स्पेसिफिक मूवमेंट्स की बात करते हैं जिसमें हम लोग सेंसेस को, डिफरेंट डिफरेंट सेंसेस को, स्पेशली विजुअल, प्रोप्रियोसेप्टिव और वेस्टिबुलर सिस्टम को जब हम लोग इंक्लूड करके ग्रोस मोटर एक्टिविटीज कराते हैं, जहां पर बच्चे को हायर लेवल कोऑर्डिनेशन, ग्रोस मोटर कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट हो, तो बच्चे का ब्रेन एंड बॉडी कनेक्शन स्ट्रांग होता है. वो अपनी बॉडी को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते हैं और अपने मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट कर पाते हैं विद द आउटर एरिया. ठीक है, इनर कोऑर्डिनेशन विद आउटर कोऑर्डिनेशन एंड कंप्लीट बॉडी कोऑर्डिनेशन. तो जब ये सब चीजें हम लोग अचीव करेंगे तो हमारा अटेंशन फोकस इंप्रूव होगा. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि हम लोग थर्ड स्टेप पे सबसे पहले काम करना चाहते हैं कि हमारे बच्चे का फोकस और अटेंशन बढ़ जाए, बट वो कैसे होगा, जब आप दो स्टेप्स ऊपर वाले कंप्लीट करेंगे. अब बात आती है मैं फोकस और अटेंशन पे कैसे काम करूं. मैंने मेरे चैनल पर बहुत सारी प्लेलिस्ट में बहुत सारे फोल्डर्स बनाए हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेपरेट सेपरेट फोल्डर्स हैं. वहां पर आप देखेंगे अटेंशन एक्टिविटीज, मतलब अटेंशन को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, उस पे एक्टिविटीज का एक फोल्डर है. आप जब उस पे क्लिक करेंगे देर आर अराउंड 20 वीडियोस. वहां पर ग्रोस मोटर भी एक्टिविटीज हैं, फाइन मोटर एक्टिविटीज हैं एंड एजुकेशनल एक्टिविटीज हैं. तो जब हम वो सब चीजें, वो एक्टिविटीज को फॉलो करते हैं तो बच्चे का फोकस एंड अटेंशन बढ़ता है. और वो एक्टिविटीज बच्चा कब कर पाएगा, जब बच्चे का नर्वस सिस्टम काम डाउन होगा, बच्चे का ब्रेन एंड बॉडी कनेक्शन होगा थ्रू रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन. आई होप आपको ये 3-स्टेप प्रोसेस क्लियर होगा कि कैसे हम बच्चे का हायर कॉग्निटिव लेवल, हायर फंक्शनिंग लेवल लेकर आ सकते हैं. दीज आर वेरी सिंपल स्टेप्स. वेगस नर्व को डेली रूटीनली रिलीजियसली फॉलो कीजिए. बच्चे का मतलब जो है नर्वस सिस्टम काम डाउन होगा, बच्चे का अटेंशन बढ़ेगा. एंड वेगस नर्व की जो आप वन टाइम एक्टिविटी करते हैं, आई ऑलवेज से वन टाइम एक्टिविटी से 2 आवर्स के लिए ब्रेन में जो न्यूरोकेमिकल्स रिलीज होते हैं तो वो 2 आवर्स के लिए इफेक्टिव रहता है. देन आफ्टर 2 आवर्स रिपीट सम एक्टिविटीज फॉर 30 सेकेंड्स. ठीक है, फिर प्रिमिटिव रिफ्लेक्स पे हमें डेली और फ्रिक्वेंट, मतलब जितना ज्यादा उतना बेहतर मैं कहती हूँ कि करना चाहिए. बट अगर आपको बच्चों में ओवर स्टिमुलेशन लग रही हो तो थोड़ा कम कीजिए कुछ टाइम के लिए, और जब बच्चे का ब्रेन एंड बॉडी कनेक्शन स्ट्रॉन्गर होने लग जाए देन रिपीट इट विगरसली और ज्यादा फ्रिक्वेंसी पे. ठीक है, आई होप दिस वीडियो इज क्लियर एंड आपको ये बहुत हेल्पफुल रहने वाली है. सो कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, कीप कमेंटिंग. थैंक यू सो मच.